हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा न्यू टॉपिक है मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी बेटा तीन पार्ट में डिवाइड होती है। मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स मतलब जो एटम्स होते हैं उनके ऑर्बिटल्स की पहले मिक्सिंग होती है, और जब इन सब की मिक्सिंग हो जाती है तो फॉर्मेशन ऑफ मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम। जब पहले हम ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग कराते हैं, मिक्सिंग के बाद उनका मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं, और उस डायग्राम बनाने के बाद फिलिंग ऑफ मॉलिकुलर और ऑर्बिटल डायग्राम, फिलिंग ऑफ मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम। उस मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम में हम क्या फिल करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को वन बाय वन फिलिंग करते हैं। तो सबसे पहले है हम मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें क्या जानना जरूरी है, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। ओके, तो मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स में क्या होता है, सबसे पहले हम एस ऑर्बिटल्स की बात करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स जो फर्स्ट हेडिंग है उसका हम ए पार्ट लेते हैं, क्या एस एस मिक्सिंग। ओके, अब आपको पता है जो एस एस ऑर्बिटल्स होते हैं वो स्फेरिकल शेप के होते हैं, और स्पेरिकल शेप के होते हैं और वो एक ही फेज में होते हैं, या तो वो पॉजिटिव फेज में होंगे या फिर वो नेगेटिव फेज में होंगे। सपोज हमने दो ऑर्बिटल ऐसे लिए जिनके दोनों फेज सेम है। सपोज हमने एक ऑर्बिटल ऐसा लिया, ओके, जिसमें ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव फेज में है, और दूसरा ऑर्बिटल भी हमने लिया जो कि क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव फेज में है। जब इन दोनों की आपस में मिक्सिंग होगी बेटा तो क्या हो जाएगा, इसको लिख लेते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल, अब ये क्या होगा, जब इन दोनों की आपस में मिक्सिंग होगी तो ये क्या हो, आपस में जुड़ जाएंगे तो यहाँ बीच वाले एरिया पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, और किनारे किनारे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। ओके, तो ये कुछ इस तरह का कंस्ट्रक्टिव बोलते हैं इसको, जब आपस में ये मिक्स होते हैं कंस्ट्रक्टिव होता है, और जब ये आपस में मिक्स नहीं हो पाते तो इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव। तो ये कंस्ट्रक्टिव फॉर्म में आ जाएंगे तो कुछ इस तरह का होगा, बीच वाला जो ऑर्बिटल होगा वो फूल जाएगा थोड़ा सा, और किनारे वाले ऑर्बिटल थोड़े से पतले हो जाएंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो कंपेरेटिवली कम होगी और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी। ओके बेटा, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें देखेंगे क्या, अगर हम इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री देखें तो जितना हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं उतना ही यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, उतना ही इस पॉइंट से यहाँ जा रहे हैं, उतना ही इस पॉइंट से हम यहाँ जा रहे हैं। तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है, प्रेजेंट होती है। तो अगर इसमें COS क्या है, प्रेजेंट है, तो ये कैसा हो जाएगा कि जीरेड हो जाएगा। अभी ये फिनोमिना आएगा, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे समझते हैं, अभी ये सारी चीज़ें आगे यूज होंगे। ओके बेटा, तो जीरेड है और ये ऑर्बिटल्स मिक्स हो रहे हैं, तो इस मिक्सिंग से बने ऑर्बिटल्स को हम क्या बोलेंगे, सिग्मा वन एस, और यहाँ पे जीरेड फॉर्म हुआ है इसलिए इसके नीचे हमने क्या लगा दिया, जी लगा दिया। मान लो हमने दो ऑर्बिटल लिए डिफरेंट डिफरेंट फेज के, ये तो सेम फेज के थे, यहाँ पे मैं लिख दूँ सेम फेज। अगर मैंने एस एस की मिक्सिंग, ये ए का पहला था और ये दूसरा है, अगर हमने एस एस मिक्सिंग कराई वो भी कैसे, डिफरेंट फेज में। ओके बेटा, डिफरेंट फेज में अगर हमने इसकी मिक्सिंग कराई तो एक हमने क्या ले लिया, ये तो न्यूक्लियर एक्सेस है, एक हमने पॉजिटिव फेज ले लिया इसका, और एक हमने क्या ले लिया इसका, नेगेटिव फेज ले लिया। ओके बेटा, अब जब इन दोनों की मिक्सिंग होगी तो ये कंस्ट्रक्ट नहीं होंगे, ये बीच, ये क्या होगी, ये सेम फेज में नहीं है, इसलिए ये डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, उसकी वजह से हमें कुछ इस तरह का मिलेगा ऑर्बिटल, किनारे किनारे इलेक्ट्रॉन, किनारे किनारे ज़्यादा हो जाएगा और बीच में कम हो जाएगा, तो हमें इस तरह के ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे। ओके, ये तो यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। अगर हम यहाँ से सेंटर ऑफ सिमेट्री देखें
तो सेंटर ऑफ सिमेट्री यहाँ पे क्या है, एब्सेंट है। सी ओ एस क्या है, एब्सेंट है। एब्सेंट कैसे बेटा, इस पॉइंट से जितना हम यहाँ जा रहे हैं उतना यहाँ जा रहे हैं, क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इक्वली रहेगी, नहीं रहेगी, इसलिए इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है, एब्सेंट है। और इससे जो ये जो बन रहा है इसको हम क्या बोलेंगे, सिग्मा स्टार वन एस। अच्छा, सेंटर और सिमेट्री एब्सेंट है इसलिए इसको हम बोलेंगे अनजीरेट। अनजीरेट होने की वजह से इस एस के नीचे हम क्या लगा देंगे, यू लगा देंगे। ओके बेटा, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है, और ये जब सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होगी तो इसको हम अनजीरेट बोलेंगे, और ये सिग्मा स्टार के नीचे हमने क्या लगा दिया, सिग्मा स्टार वन एस के नीचे हमने क्या लगा दिया, यू लगा दिया। अब आइए पी के देखते हैं, सेकेंड पॉइंट क्या है, बी पॉइंट पी पी मिक्सिंग। और ये मिक्सिंग हम कैसे करा रहे हैं, सेम फेज में। जब सेम फेज में कराएंगे बेटा, ये पी ऑर्बिटल है, एक पी ऑर्बिटल ये है, ये लोब पॉजिटिव है और ये लोब नेगेटिव है। अब इनकी अगर हम आपस में मिक्सिंग कराएंगे बेटा, तो ये क्या है, सेम फेज में है, इसलिए ये ऑर्बिटल क्या हो जाएगा, फूल जाएगा, बड़ा हो जाएगा। और ये ऑर्बिटल भी क्या है, आपस में सेम है, ये भी आपस में फूल जाएंगे, तो ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। ये पॉजिटिव लोब और ये कौन सी लोब मिल जाएगी हमको, नेगेटिव लोब मिल जाएगी, ठीक है। और यहाँ ये जो एरिया होता है इसको हम बोलते हैं नोड, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम होती है। अच्छा, इसमें अगर हम सेंटर ऑफ सिमेट्री देखें बेटा, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री देखो, ऊपर जाने पे पॉजिटिव मिल रही है, नीचे जाने पे नेगेटिव मिल रही है, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है, यहाँ पे एब्सेंट है। जब सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होगा तो ये क्या हो जाएगा, अनजीरेट। इसको हम क्या बोलेंगे, पाई टू पी अनजीरेट है, तो इसके नीचे क्या लगा देंगे, यू। ओके, अब मान लो हम मिक्सिंग कराएं अपोजिट फेज में, ये तो आपका वन पार्ट था, ये क्या था, पी पी मिक्सिंग। कैसे करा रहे हैं अब हम इसको अपोजिट फेज में, अपोजिट या डिफरेंट फेज कुछ भी लिख सकते हो। अपोजिट फेज में अगर हम कराएंगे तो हमने पी का एक और पी का ऑर्बिटल लिया, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, और दूसरा हम कौन सा लेंगे, अपोजिट फेज ले लेंगे बेटा, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस। अब अगर हम इनकी मिक्सिंग कराना चाहेंगे तो ये डिस्ट्रक्टिव हो जाए, डिस्ट्रक्टिव फेज में होंगे, मतलब ये अच्छे से मिक्स नहीं होंगे। तो जब मिक्स नहीं होंगे तो किनारे किनारे क्या होंगे, ज़्यादा हो जाएंगे और बीच में कम हो जाएंगे, तो ये कुछ इस तरह का बनेगा। जो ये वाली लोब्स है ये इधर फूल जाएंगे और ये वाली लोब्स इधर फूल जाएंगे, तो ये कैसे हो जाएगा बेटा, ये ऐसे हो जाएगा आपका। यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। अच्छा, इसमें कितने नोड हैं, देखो एक नोड यहाँ से है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम पाई जा रही है, और एक नोड यहाँ पे है। ओके, इसमें नोड कितने थे, वन नोड था। इसमें नोड कितने हैं, दो। तो इसमें अगर हम नोड देखें तो कितने हो जाएंगे बेटा, टू हो जाएंगे। और अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात करेंगे तो यहाँ से जाएंगे तो नेगेटिव मिलेगा, यहाँ भी नेगेटिव, यहाँ से जाएंगे तो ये पॉजिटिव मिलेगा, ये भी पॉजिटिव मिलेगा। तो यहाँ पे जो सी ओ एस है ये क्या है, प्रेजेंट है। जब ये प्रेजेंट है तो इसको हम क्या बोलेंगे, जीरेड। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई स्टार 2PZ। ओके बेटा, आइए बात करते हैं सी की, DD मिक्सिंग। DD मिक्सिंग, DD मिक्सिंग में बेटा टू लोब से मिक्स हो रही हैं, टू लोब। ओके, और ये मिक्सिंग हम कैसे करा रहे हैं, सेम फेज में। सेम फेज में अगर मिक्सिंग कराएंगे तो जो जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो कुछ इस तरह होते हैं, देखिए ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अगर हमने इसकी मिक्सिंग सेम फेज में कराई,
ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, इनकी अगर आपस में मिक्सिंग हो रही है बेटा तो ये कुछ इस तरह का बना। अब ये बीच वाला क्या हो जाएगा, ऑर्बिटल फूल जाएगा और ये किनारे किनारे ऑर्बिटल कम हो जाएंगे। तो ये कैसे बनेगा बेटा, यहाँ पे एक बड़ा सा लोब बनेगा और एक बड़ा लोब यहाँ पे बनेगा, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, और यहाँ पे दो छोटे छोटे। पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ओके बेटा। अच्छा इसमें कितने नोड हैं, देखो ऐसे देखा जाए तो इसमें सिर्फ एक नोड है, तो इसमें नोड कितने हैं, वन। ओके क्या इसमें कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री है, यहाँ से जाने पे पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ से जाने पे नेगेटिव आ रहा है, तो सी ओ एस क्या है, एबसेंट है। जब सी ओ एस एबसेंट है तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम कैसे बोलेंगे, पाई थ्री डी अनजीरेड हो जाएगा बेटा, अनजीरेड, तो इसको क्या बोलेंगे, यू। लेकिन अगर हम डी डी की मिक्सिंग अपोजिट फेस में कराएं, इसका सेकेंड पार्ट है ना बेटा, डी डी मिक्सिंग, और कैसे हो अपोजिट फेस में, अपोजिट फेस में हो बेटा, तो सपोज हमने ये लिया ऑर्बिटल पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इसकी मिक्सिंग हमने अपोजिट फेस वाले ऑर्बिटल से कराई अगर, तो ये क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, डिस्ट्रैक्ट होके ये क्या बनाएंगे, ये वाले लोब्स छोटे हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये सेम फेज में नहीं है, और ये वाले लोब क्या है, कंपेरेटिवली इसके बड़े ही रहेंगे, जैसे थे वैसे रहेंगे, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ओके। अब इसमें ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, ये नेगेटिव था और ये पॉजिटिव था, इसमें अगर हम लोब देखें तो कितने लोब मिल रहे हैं, लोब वो पार्ट होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम होती है, तो इसमें कितने नोड हैं, नोड वो पार्ट होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम होती है, तो इसमें कितने नोड हैं, दो नोड हैं। और अगर हम इसको बोलेंगे क्या बेटा, पाई स्टार थ्री डी, अच्छा इसमें क्या कॉस प्रेजेंट है, यहाँ से जाएंगे तो क्या रहे, पॉजिटिव, यहाँ जाएंगे तो पॉजिटिव, यहाँ जा रहे हैं तो नेगेटिव, यहाँ भी जा रहे हैं तो नेगेटिव, तो इसमें क्या है, सी ओ एस क्या है, प्रेजेंट है, तो जब सी ओ एस इसमें प्रेजेंट है तो ये क्या हो जाएगा बेटा, जीरेड, जब ये जीरेड हो जाएगा तो इसके नीचे हम क्या लगा लेंगे, जी। एक और होता है बेटा, ये थोड़ा नया है आप लोगों के लिए, सी, कौन सा पॉइंट चल रहा था, ए बी सी और डी, ये क्या हो जाएगा बेटा, इसको हम बोलते हैं डेल्टा मॉलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन, डेल्टा एमओ फॉर्मेशन, डेल्टा एमओ फॉर्मेशन, ये कैसे होता है, इसमें बेटा फोर लोब्स इन्वॉल्व होती हैं, फोर लोब टू फोर लोब, ओके। अब ये क्या है, जैसे आपका डी ऑर्बिटल ही है, डी ऑर्बिटल में ही डेल्टा फॉर्मेशन होता है, सपोज हमारे पास ये डी ऑर्बिटल है, ये पॉजिटिव फेस और ये नेगेटिव फेस, ये नेगेटिव वन, ओके बेटा। और से हमने एक और लिया यहाँ पे, अब बेटा देखो इन लोब्स को हम साइड बाय साइड ओवरलैपिंग नहीं करा रहे हैं, साइड बाय साइड ये मिक्स नहीं हो रहा, ओवरलैपिंग की तो बात ही नहीं हो रही है एमओ में, साइड बाय साइड ये मिक्स नहीं हो रहा, इसमें क्या है, साइड बाय साइड ऑर्बिटल मिक्स हो रहे थे, इसमें ऑर्बिटल ऊपर नीचे मिक्स हो रहे हैं, ऐसे एक ऑर्बिटल ये है और उसके ऊपर ये वाला ऑर्बिटल आके मिक्स हो रहा है, बात समझ में आ रही है, ये ऑर्बिटल नीचे है और ये ऑर्बिटल इसके ऊपर आके मिक्स हो रहा है, कैसे मिक्सिंग हो रही है, अभी डी ऑर्बिटल या पी ऑर्बिटल में साइड बाय साइड मिक्सिंग हो रही थी, यहाँ पे मिक्सिंग कैसे हो रही, ऊपर ऊपर नीचे मिक्सिंग हो रही, इसी को हम बोलते हैं डेल्टा फॉर्मेशन। इसमें क्या हो रहा है बेटा, ये जो फर्स्ट लोब है ये किसके ऊपर आ रही है, इसके ऊपर, ये वाली फर्स्ट लोब किसके ऊपर आ रही है, इसके ऊपर, और ये जो सेकेंड लोब है ये किसके ऊपर आ रही है, इसके ऊपर, और ये वाली जो सेकेंड लोब है ये किसके ऊपर आ रही है, इसके ऊपर, ओके।
तो ये क्या है, कंस्ट्रक्टिव फेज है इसका। तो जब कंस्ट्रक्टिव फेज है तो ये क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे और कुछ इस तरह का फॉर्मेशन होगा इसमें। पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव। ओके बेटा, तो इसको हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। देखो अब इसमें देखो क्या कॉस प्रेजेंट है, यस इसमें कॉस भी प्रेजेंट है। लोब कितने हैं इसमें, नोड कितने होंगे, एक ये और एक ये। इसमें नोड, टोटल नोड कितने हो जाएंगे, टू क्या हो जाएंगे, नोड हो जाएंगे। कॉस क्या है इसमें, प्रेजेंट है। ओके इसलिए ये क्या हो जाएगा, जीरेड हो जाएगा। और इसको हम क्या बोलेंगे, डेल्टा। इस फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, डेल्टा जी। ओके अब हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑन द बेसिस ऑफ मिक्सिंग। बेटा एक चीज और बताना था आपको, बेटा जब दो ऑर्बिटल आपस में मिक्स होते हैं, जब दो ऑर्बिटल आपस में मिक्स होते हैं तो दो नए ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं, जिसमें से एक की एनर्जी कम और वो स्टेबल होता है, दूसरे की एनर्जी ज़्यादा और वो अनस्टेबल होता है। इसको बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और इसको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ओके बेटा, लेकिन एक सिचुएशन ऐसी आती है कि जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, जिनकी एनर्जी ना तो ज्यादा होगी ना ही लो होगी, तो उसको हम बोलेंगे नॉन बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल, नॉन बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल। ओके अब ये जो मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम है बेटा, इसके बारे में थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। मॉलिकुलर ऑर्बिटल जो डायग्राम होता है, ये दो तरह के होते हैं। मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम दो तरह के उसमें फॉर्म होते हैं। एक तो आपका होगा डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स और दूसरा क्या हो जाएगा आपका बेटा, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अब ये जो डायएटॉमिक होते हैं ये भी दो तरह के होते हैं। एक तो आपका होमो हो गया, होमो न्यूक्लियर, और दूसरा क्या हो जाएगा आपका, हेट्रोन्यूक्लियर। ठीक है, होमो न्यूक्लियर भी बेटा दो तरह के हो जाएंगे। अभी इसके बारे में हम वन बाय वन आपको समझाते हैं। क्या हो जाएगा, विदाउट एसपी मिक्सिंग, एसपी मिक्सिंग, और ये वाला हो जाएगा एसपी मिक्सिंग। ओके हेट्रोन्यूक्लियर की अगर हम बात करें बेटा, है तो ये भी डायएटॉमिक ही ना। हेट्रोन्यूक्लियर में दो तीन तरह के मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, या तो वो ए बी टाइप के हों, ए बी टाइप के ही होंगे डायएटॉमिक में। ठीक है, तो अगर इसमें से एस में एस पी मिक्सिंग हो रही है और बी में एस पी मिक्सिंग नहीं हो रही है, एक तो ये हो सकता है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, नो एस पी मिक्सिंग। ओके दोनों में मान लो एक फर्स्ट टाइप का ये हो गया कि दोनों में एस पी मिक्सिंग नहीं हो रही है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें एस पी मिक्सिंग हो रही है और इस वाले में एस पी मिक्सिंग नहीं हो रही, कई तरह के हो सकते हैं ना। और इसमें क्या है, दोनों में क्या है, बोथ हैव एस पी मिक्सिंग। ओके अब बेटा आओ चलो हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि ये एस पी मिक्सिंग होता क्या है, ये कहाँ हो रहा है, कहाँ नहीं होगा, इससे क्या क्या फर्क पड़ता है डायग्राम में। तो
सबसे पहले हम समझते हैं क्या कॉन्सेप्ट ऑफ एसपी मिक्सिंग। कॉन्सेप्ट ऑफ एसपी मिक्सिंग, सपोज ये मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है और ये इसी का मॉलिकुलर ऑर्बिटल है। ठीक है, तो फर्स्ट शेल ये हो गया फर्स्ट शेल। अभी मैं डायग्राम नहीं बना रही, अभी मैं आपको सिर्फ एसपी मिक्सिंग समझा रही हूँ। ये सेकेंड ऑर्बिटल हो गया सेकेंड शेल का, और ये सेकेंड शेल का पी ऑर्बिटल हो गया। अब बेटा देखो मिक्सिंग कैसे होती है, इसकी इसके साथ मिक्सिंग हो जाए, इसकी इसके साथ मिक्सिंग हो जाए और इसकी इसके साथ मिक्सिंग हो जाए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इन दोनों में जो एनर्जी गैप होता है डेल्टा ई, ये जब कम होता है तो ये आपस में मिक्स कर जाते हैं। ओके, एसपी मिक्सिंग कब होगा, जब इस इन ये पी ऑर्बिटल और एस ऑर्बिटल में एनर्जी गैप कम होता है तो ये आपस में मिक्स हो जाते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं एसपी मिक्सिंग। और मिक्स होने के बाद ये जो है ऑर्बिट डायग्राम फॉर्म करते हैं, और मिक्स होने के बाद इनके डायग्राम में कुछ चेंजेस आते हैं। तो ये जो एसपी मिक्सिंग होता है, समझ में आया, कब होगा, पहले तो ये ऑर्बिटल्स आपस में फॉर्म हो रहे थे, आपस में मिक्स हो रहे थे ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स, लेकिन ये अब कुछ कंडीशन ऐसी होती है कि जहाँ पे एस और पी में बहुत ज़्यादा एनर्जी गैप नहीं होता है और वो मॉलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म करने से पहले ही ये क्या होते हैं, ये आपस में ही क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, इसी को हम बोलते हैं एसपी मिक्सिंग। अब ये एसपी मिक्सिंग कहाँ होता है ये दिखा दूँ मैं आपको। सपोज ये बोरॉन है, ये अब सेकेंड पीरियड की बात कर रहे हैं, ये बोरॉन है, ये कार्बन है, ये नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ये फ्लोरीन है। तो ये जो बोरॉन होता है बेटा, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज छोटा होता जाता है, साइज छोटा हो जाएगा तो न्यूक्लियस में अट्रैक्शन, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जब इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो न्यूक्लियस के किनारे एक शील्ड बन जाएगी, और जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी शील्डिंग ज़्यादा डोमिनेट करने लगेगा, और जब शील्डिंग ज़्यादा डोमिनेट करने लगेगा तो वो पी ऑर्बिटल को रिपल करेगा, जिससे जैसे जैसे साइज छोटी होती जाएगी एस में, एस और पी में मिक्सिंग क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी, समझ, एस और पी में एनर्जी गैप बढ़ता जाएगा तो उसमें मिक्सिंग नहीं होगी। लेकिन ऑर्बिटल जैसे जैसे क्या होते हैं, बड़े होते हैं, उसमें क्या होता है, एनर्जी गैप कम होता है और वो आसानी से मिक्स हो सकते हैं। तो ओवरऑल क्या है, जब साइज बहुत छोटे होते जाते हैं तो उसमें एनर्जी गैप बढ़ता जाता है और उसमें एसपी मिक्सिंग पॉसिबल नहीं होती। लेकिन जब साइज आपका बड़ा होता है और एनर्जी गैप, जब साइज आपका बड़ा होगा और एनर्जी गैप कम होगा तो उसमें एसपी मिक्सिंग आसानी से पॉसिबल है। तो अगर हम बोरॉन का बनाए, इधर जाने पे साइज बढ़ रहा है, तो मैंने क्या बोला, साइज बढ़ेगा तो एनर्जी गैप क्या हो जाएगी, कम होगी कि ज़्यादा होगी, एनर्जी गैप ज़्यादा हो जाएगी। तो ये जो साइज, इधर जाने पे साइज घटेगा तो एनर्जी गैप ज़्यादा हो जाएगी, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, ये 2s है और ये 2p है, एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर हम 2p की बात करें तो इसमें एनर्जी गैप ज़्यादा होती है, इसमें एनर्जी गैप और भी ज़्यादा होगी, इसमें एनर्जी गैप और भी ज़्यादा होगी, और इसमें एनर्जी गैप और भी ज़्यादा होगी। बेटा ओवरऑल यही आप समझ लो, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उसका साइज़ छोटा होगा, साइज़ छोटा होगा तो उसमें ऑर्बिटल्स के बीच में एनर्जी गैप ज़्यादा होगी। एनर्जी गैप ज़्यादा क्यों होगी, ये आप हमारे केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर में देखिएगा, एनर्जी गैप इसलिए ज़्यादा हो जाता है बेटा क्योंकि न्यूक्लियस अपने सराउंडिंग एक शील्ड बना लेता है, जिससे वो पी ऑर्बिटल को रिपल करता है, और जब पी ऑर्बिटल को रिपल करेगा तो वो एस से दूर चला जाएगा और एस और पी में एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है। ओके, तो अब यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, एसपी मिक्सिंग क्या हो जाएगी, होगी, और यहाँ से यहाँ तक में एसपी मिक्सिंग पॉसिबल नहीं है।
एसपी मिक्सिंग नॉट अलाउड, इसमें क्या है एसपी मिक्सिंग अलाउड। ओके, अगर हम ग्रुप की बात करें बेटा, एसपी मिक्सिंग इन ग्रुप, एसपी मिक्सिंग इन ग्रुप, तो ग्रुप में क्या होता है, ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पे क्या हो रहा है, साइज बड़ा हो रहा है। और मैंने बताया था आपको, साइज बड़ा हो जाएगा तो शील्डिंग इफेक्ट धीरे धीरे कम होता जाएगा, और जब शील्डिंग इफेक्ट धीरे धीरे कम होता जाएगा तो ये गैप भी क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे कम होते जाएंगे, और इसमें एसपी मिक्सिंग क्या हो जाएगी, अलाउड हो जाएगी। यहाँ पे क्या है एसपी मिक्सिंग अलाउड, तो ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पे एसपी मिक्सिंग अलाउड होती है, ग्रुप में लेफ्ट टू राइट जाने पे धीरे धीरे एसपी मिक्सिंग क्या हो जाती है, नॉट अलाउड होती चली जाती है। तो एसपी मिक्सिंग कहाँ से कहाँ तक हो रही है, बोरॉन से नाइट्रोजन तक हो रही है, और कहाँ पे नहीं हो रही है, फ्लोरीन से ऑक्सीजन से फ्लोरीन तक। अब आइए कुछ और बातें करते हैं। क्वेश्चन है हाउ टू चेक एसपी मिक्सिंग। एसपी मिक्सिंग हम कैसे चेक करेंगे, किस पर्टिकुलर एलिमेंट में एसपी मिक्सिंग हो रही है और किस में नहीं हो रही है। बेटा जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है, ये दो ही तरह के तो एलिमेंट है, या तो वो होमो होंगे या फिर वो हेट्रो होंगे। तो और अच्छा, हेट्रो में भी आपके तीन तरह के हैं, ए बी और ए बी। इसमें क्या है, अगर दोनों में हो रही है तो एसपी मिक्सिंग अलाउड होगी, दोनों में से किसी में भी एक हो रही है और एक में नहीं हो रही तो भी एसपी मिक्सिंग अलाउड होगी, और दोनों में भी नहीं हो रही तो एसपी मिक्सिंग अलाउड नहीं होगी। इसमें अगर हो रही है एसपी मिक्सिंग तो अलाउड होगी, अगर नहीं हो रही है तो नहीं होगी। अब जैसे बेटा हमारे पास क्या है, HF F2 Br2 Cl2 CO, NO, Fe, NF, OF, C2, O2, BO, FeNe, ONe, CNe, CN, HCl, Br, OH minus। अब देखते हैं वन बाय वन। देखो बेटा, हाइड्रोजन में एसपी मिक्सिंग होती नहीं, हाइड्रोजन की तो बात ही नहीं की मैंने, और क्या फ्लोरीन में एसपी मिक्सिंग होगी, नहीं होगी। जब इन दोनों में नहीं है तो एसपी मिक्सिंग इसमें नहीं होगी। F2 में एसपी मिक्सिंग नहीं होती है, ओके, इसमें भी नहीं होगी। Br2 में क्या एसपी मिक्सिंग होगी, यस, जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो साइज बड़ा हो रहा है, एसपी मिक्सिंग साइज के क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसमें एसपी मिक्सिंग अलाउड होगी। Cl2 में भी होगी। कार्बन और ऑक्सीजन में देखा जाए तो ऑक्सीजन में तो नहीं है लेकिन कार्बन में है, इसलिए ओवरऑल एसपी मिक्सिंग इसमें अलाउ होगी। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में देखा जाए तो नाइट्रोजन में है, ऑक्सीजन में नहीं है, लेकिन ओवरऑल एसपी मिक्सिंग इसमें भी अलाउड होगी। किसी एक में भी अगर हुआ तो एसपी मिक्सिंग अलाउड होगी। इसमें हो रही है, इसमें नहीं हो रही है, ओवरऑल अलाउड है। इसमें हो रही है, इसमें नहीं हो रही, ओवरऑल अलाउड है। इसमें इसमें भी नहीं हो रही, इसमें भी नहीं हो रहा, तो एसपी मिक्सिंग इसमें नॉट पॉसिबल। इसमें देखा जाए बेटा तो कार्बन में एसपी मिक्सिंग होती है। अब आ जाओ ऑक्सीजन में एसपी मिक्सिंग नहीं होती तो नहीं हो रही है। फाइनली बोरॉन में एसपी मिक्सिंग होती है, कार्बन में नहीं होती, लेकिन ओवरऑल एसपी मिक्सिंग होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया ना किसी भी एक में भी अगर एसपी मिक्सिंग अलाउड है तो उसमें एसपी मिक्सिंग होगी। फ्लोरीन में नहीं हो रही है, लेकिन नियॉन की बात करें तो नियॉन में भी नहीं हो रही है, तो ये नॉट अलाउड। ऑक्सीजन में नहीं हो रही, नियॉन में नहीं हो रही, नॉट अलाउड। कार्बन में हो रही है, नियॉन में नहीं हो रही है, बट अलाउड। कार्बन में हो रही है, नाइट्रोजन में भी हो रही है, अलाउड। हाइड्रोजन में नहीं हो रही है, सीएल में हो रही है, इसलिए एसपी मिक्सिंग अलाउड। इसमें भी एसपी मिक्सिंग अलाउड है। इसमें नहीं हो रही है, इसमें भी नहीं हो रही, इसलिए एसपी मिक्सिंग नॉट अलाउड। ओके, यहाँ तक कोई डाउट? अब बेटा इसके आगे हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट उसमें लेक्चर में आपको बताएंगे हाउ टू ड्रॉ एमो
एमओडी ऑफ एच टू। हाइड्रोजन को हम मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। थैंक यू।